अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको स्ट्रेट ट्राउज़र बताएंगे, पर वो कंधे वाला बताएंगे कि हेल्दी खवातीन जो उस ट्राउज़र को एक भी पहन सकती हैं और अपने आराम से स्टिच कर सकती हैं उसको। तो चले हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमारे पास कपड़ा है, तकरीबन 2.5 मीटर का ये कपड़ा है, तो हमने इसको इस तरह से करके रखा हुआ है। यहाँ से डबल कर दिया, डबल करने के बाद फिर यहाँ से डबल कर दिया। ये चार हिस्से आ गए, चार हिस्से आ गए इस तरह से। इसको हम स्टिच करना भी इंशाल्लाह बताएंगे। हमारी वीडियो एंड तक देखिए, सब्सक्राइब लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपके शेयर करने से, कमेंट करने से हमें उत्साह अफजाई मिलती है। सिलाई के हवाले से आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये लेंथ हमने ले ली है, हमने रखना है 39 इंच का, तो हम लेंथ लेंगे 43 इंच। तो नीचे से हमारा डिज़ाइन बनेगा, पाइंट से डिज़ाइन बनेगा, यानी हम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ से 17 इंच आ रहा है, यहाँ से 18 इंच रखेंगे, आसन का नाप आ गया यहाँ से 18 इंच का। यहाँ से 12 इंच का निशान लगा दिया। आप इसकी सीध ले लेनी है, यहाँ से 17 इंच का, 17 इंच का हाफ करेंगे, 17 इंच का हाफ आ रहा है 8.25 इंच पे, 8.25 इंच पे यहाँ बीच में निशान लगा रही है इस तरह से। यहीं से हमने पाइंचे का निशान लगाना है, पाइंचे हमने लेना है 8 इंच का, 8 इंच का 4 इंच, यहाँ से 4 इंच पे लगा देंगे, यहाँ से 8 इंच पे लगा देंगे। पाइचा हमारा तैयार आएगा 7 इंच का, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं, हमने इस तरह से निशान लगाना है ट्राउजर का। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है यहाँ से। ये कपड़ा इस तरह से यहाँ आ जाएगा रुमाली में। इस तरह से रखना है आपको। अब यहाँ पर आसन आ रहा था 18 इंच का, यहाँ से अब हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से, कुछ कटिंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से इस तरह, यहाँ से हम निशान लगा लेंगे ट्राउजर की, ताकि स्ट्रेट ट्राउजर आए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ हमने निशान लगाया है, इस तरह से सारी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होगी ये ऊपर से कंप्लीट। अब यहाँ से दो हिस्से उठाएंगे, ये बैक का आ गया, ये फ्रंट का। यहाँ से अब निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर देंगे आगे की। ये तकरीबन 10 इंच पे, 11 इंच पे आपने इस तरह से यहाँ से निशान लगाना है, 2 इंच का यहाँ से निशान लगाना है। ये इस निशान को इस तरह से कर देना है और यहाँ से अंदर से कटिंग कर देनी है। ये आगे का आसन हो गया, पीछे का हो गया। अब हम हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई, हम आपको इसको स्टिच करके बताएंगे। तो चलते हैं। अब यहाँ से सिलाई हमारी, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ से जो है फिर भी 1-1 इंच यहाँ से भी कटिंग करें फ्रंट की। ये फ्रंट का है तो उसकी यहाँ से 1-1 इंच कटिंग हो जाएगी, उसके बाद हमारी कटिंग कंप्लीट होगी।
ये आ गई, इसलिए इस तरफ से कलियां आ गई। जी हमने ये अपने ट्राउजर की कटिंग पूरी कर ली थी, जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमने ये इस तरह से कतरन का और ये ले लिए, सीविंग बिक्रम ले लिए, इस तरह से 2 इंच यहाँ से ले ली चौड़ाई में, कतरन की लंबाई में ले ली, जितना हमने पैंट का बनाना है उसके साथ हम डिज़ाइन इसका बनाएंगे। तो इसको डिज़ाइन बनाने के लिए पहले यहाँ पर हमने आधा इंच का निकालेंगे, आधा इंच का इस तरह से हमने आधा आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ये राउंड सा चाहिए, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर रखना है, हाफ रखना है इस तरह से। यहाँ पर मैं निशान लगा दूँ, इस लाइन के मुताबिक निशान लगा दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इतना मुझे रखना है। तो इस तरह से गोल गोल ये बनाते जाएंगे, फिर इस लाइन के साथ मिला के इस तरह से रखना है। तो हमें ये निशान बनाना है इस तरह से, सारे पे ये इस तरह से निशान बना देना। ये इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब इसी को पकड़ के इस तरह से हमने ये सबको काट देना है, यहाँ से गोल गोल काट देना है। ये हमने इस तरह से काट दी। अब ये हम ट्राउज़र पर लगाएंगे, आप चाहें तो ये इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसको किसी भी फैब्रिक पे हम चिपका देंगे। आप इसी तरह से 2 पट्टियाँ बना के किसी और पे भी लगाना चाहें, शर्ट वेट पे, तो आप इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं इसको इस तरह से, सही। अब हम ये हमारे पास जो फैब्रिक बचा हुआ था ट्राउज़र का, ये हम इस पर इसको लगा देंगे। दोनों पीस ले, 2 पीस ले लिए, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से जो हमने आगे रखना है छोटा है, जो पीछे रखना है बड़ा। ये इस तरह से जो पांची की जो सीध आ रही है वहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे, पांची की सीध से स्टिच कर लेंगे इसको। हमने ये दोनों पांची की सिलाई सीधी लगा दी है। और हम यहाँ पर जो हमने पीस काटे थे इस तरह से, अब ये लगाएंगे, इसमें से 1 पीस ले लेंगे यूँ करके इसको इस तरह से सीधे जहाँ से हमने ख़त्म किया था यहाँ से इसको इस तरह से सीधे। मैंने कर लिया सारी इस तरह से जो ज्वाइन करने की, और ये आसन भी इस तरह से जोड़ दिया था इस तरह से। अब नेफा बनाएंगे, नेफा बनाने का तरीका इस तरह से है, ये बीच से ले लेंगे जहाँ से हमने कम काटा था ट्राउज़र, आगे से बनेगा नेफा इस तरह से। तकरीबन 2.5 इंच का यहाँ से सीलेंगे इस तरह से। पूरा नेफा बना देंगे इस तरह से। हमने नेफे का आगे का हिस्सा बना लिया। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा अंदर मोड़ देंगे, थोड़ा सा कपड़ा 1/2 इंच अंदर और 1.5 इंच का इस तरह से रखना, ताकि आप इलास्टिक जितनी चौड़ी हो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, वैसे 1.5 इंच आप मोड़ दें। यहाँ से पता कर देंगे, अब इस नेफे को पूरा सिल लेंगे। ये हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली, इस तरह से नेफा बन गया। अब नेफे की जो बीच वाली जगह थी जो हमने इस तरह से बनाया था, इसको बीच वाले धागे को काट देंगे ताकि इलास्टिक हम इसमें फिर डाल सकें। इस तरह से खुल जाएगा। अब आ जाते हैं पैंचे की तरफ। ये आगे ट्राउज़र का पैंच है, इसके जो हमने इस तरह से ये कटवर्क बना के इस तरह से इस पर हमने चिपका दिया था, इसकी जो कटिंग थी चिपका दिया था, जिसको इस पर सीधे पे सी लेंगे। सीधा कपड़ा इस तरह से रख के 1 इंच का मार्जिन छोड़ के, ताकि वो सिलाई में आ जाए, इसको इस तरह से सारा सी देंगे। इसको इस तरह से सीते जाएंगे गोल गोल इस तरह से, ध्यान से सीना
इस तरह से इसको पूरा सी लेना। ये इस तरह से इसको हमने सीनी है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है अपने गोल गोल। अब इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, न्यू निकाल के सबको, और इस पर आयरन कर देना। इस तरह से निकाल देंगे इसको, आयरन कर देंगे। ये इस तरह से आयरन कर लिया। अब यहाँ से ये कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कंप्लीट। अब यहाँ पर हम डालेंगे प्लेटें, आप चाहे तो 3-4 जितनी प्लेटें आप डाल सकती हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बारीक प्लेटें डाल देंगे 2 इंच पे, 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से बारीक प्लेटें डाल देंगे। आप चौड़ी वाली डालें, बारीक डालें जैसे आपको अच्छी लगती है। हम एक बूट की डालेंगे, एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए डालेंगे। ये हमारा ट्राउज़र का फाइनल लुक आ गया। इस तरह से सिंपल से हमने डिज़ाइनिंग की, डिसेंट सी। और ये इस तरह से इसमें इतना घेर आएगा आपका। इस तरह से हमने इसमें ये कलियाँ डालनी है ताकि ट्राउज़र फटे ना। पेंट ट्राउज़र है, हेल्दी खवातीन ये बहुत अच्छा है ये ट्राउज़र। हमें सब्सक्राइब लाइक किए, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।